मेडिकल कॉलेज में दीपावली अवकाश के बाद सोमवार को ओपीडी खुलने पर मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ये हो गए कि पर्ची कटाने में ही मरीजों को एक घंटे से डेढ़ घंटा लग गया। लंबी कतारें लगने से लोगों का पसीना छूट गया। इसके बाद जांच आदि में लगी देरी से मरीजों को काफी इंतजार करना पड़ा। वर्तमान में डेंगू का कहर को लेकर आउटडोर व इनडोर में लगातार अस्पताल में मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और ओपीडी के बाहर भी मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। मेडिसिन विभाग में एक डॉक्टर करीब 250 मरीजों को देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली अवकाश के बाद आज अस्पताल में मरीजों की काफी संख्या देखी जा रही है। अस्पताल के प्रत्येक विभाग में मरीजों की संख्या और दिनों से भी काफी नजर आ रही है। वर्तमान में डेंगू के चलते आरडीपी की भी कमी आ रही है और शहरवासियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर ब्लड डोनेशन करें। डेंगू के पेशेंट भी हैं, जनरलाइज जो ओपीडी है, चार दिन से यहाँ पे हॉलीडे था, जीएस था, तो उस संदर्भ में पेशेंट का मूवमेंट नहीं था, लेकिन जैसे अस्पताल खुला है आज तो ऑर्थोपेडिक में देख रहा हूँ कि सुबह से ही भीड़ का तांता लगा हुआ है। क्लासरूम में बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल हम कंटिन्यू लगे हुए हैं। उसके बाद क्लासरूम के लिए पेशेंट भर्ती भी हो रहे हैं, ओपीडी में लाइन लगी हुई है। इस तरह से मेडिसिन में, स्किन में, सब सारे डिपार्टमेंटों में बहुत भीड़ है और उसको मैनेज कर रहे हैं हम लोग। और सुबह से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, कंटिन्यू मरीज आए जा रहे हैं। डेंगू को लेकर आरडीपी की काफ़ी कमी आ रही है, उसको लेकर डेंगू के लिए आरडीपी की भी कमी आ रही है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट कम हो रही है तो जरूरत पड़ती है। हमने दिवाली से पहले भी काफ़ी लोगों से आग्रह किया था, कि दानदाताओं से भी आग्रह किया था कि भाई दिवाली पे लोग आगे आकर के और इसका आरडीपी के लिए ब्लड डोनेट करें, तो आरडीपी दें। तो उस संदर्भ में दिवाली पे काफ़ी लोगों ने दो दो पांच पांच जनों आकर के ब्लड बैंक में दिया भी उन्होंने। तो हम लोग को पहले आभास था कि ये दिवाली पे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन दिवाली से पहले हमने आग्रह कर लिया था लोगों से कि साहब, निवेदन है आपसे कि उस टाइम पे कृपा करके दो दो पाँच पाँच दस दस लोग ही आ जाएँ, लेकिन उसकी कमी नहीं हो। और उसमें हम लोग सक्सेस हुए हैं और दिवाली पे प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। आप किस तरह की अपील करना चाहते हैं शहरवासियों से आगे आए? अपील तो ये है कि एक तो ये जो डेंगू है वो मच्छर से फैलता है, तो उसकी रोकथाम करें। उसको जहाँ भी अपने होममेड जो पोर्ट हैं पानी के जो भराव के, उनको थोड़ा खाली रखें, जैसे कूलर हैं, कोई गंदी जगह हैं, कोई पौधे लगाते हैं उसके जो गमले हैं उसमें पानी जो होता है उनको चेंज करते रहें, तो एक तो बचाव है। उपचार के लिए जैसे ही कोई सिम्टम आते हैं, तकलीफ़ होती है, तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। कोई भी जो अवधारणाएँ बनी है बहुत सारी कि साहब ये कर लो, वो कर लो, ये काढ़ा पी लो, ऐसा नहीं है। जो भी संबंधित चिकित्सक हैं उनको दिखा करके जो जाँच करा के इलाज लें, तो अपन उसको रिकवरी कर पाएंगे।